उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनके पिता मुलायम सिंह यादव कहें तो वे इस्तीफा दे देंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कटुता में समाप्त हुई बैठक में अपने भाई शिवपाल यादव और अमर सिंह का बचाव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में बोलते हुए कहा कि तीन तलाक के मुद्दे पर राजनीति न की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह की खुली बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद इस बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। केजरीवाल ने चार नामों को सुझाव दिया और कांग्रेस नेता से पंजाब चुनावों से पहले बहस के लिए अपनी पसंद की तारीख, वक्त और जगह चुनने को कहा। एमएनएस द्वारा निर्माताओं को आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ रुपए योगदान देने की मांग पर शिवसेना ने कहा कि 5 करोड़ रुपए देकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पाक कलाकारों को मौका देना देशभक्ति या राष्ट्रहित में नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्रमी बोबी सिंह उस समय बाल बाल बचे जब सोमवार को हेलीपैड पर चौपर से बाहर निकलते हुए उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। इस हमले में मणिपुर राइफल्स का एक जवान घायल हो गया।